हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। कल की वीडियो में मैंने ये बताया था कि फ़राइज़ नमाज कितने हैं और क्या हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शरायत नमाज क्या हैं और कितनी हैं, क्योंकि ये वो शर्तें हैं जिनके बग़ैर नमाज ही नहीं होती। तो चले शुरू करते हैं कि नमाज की शर्तें कितनी हैं और क्या क्या हैं। मैं आपको बता दूँ कि नमाज की जो शर्तें हैं वो 6 हैं, और हर एक को तफसील के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बने रहें मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नमाज की पहली शर्त यह है, शरायत नमाज कितनी है और क्या है। नमाज की पहली शर्त तहारत यानी बदन और कपड़ों और जगह का पाक होना है, और दूसरी शर्त जो है वो सत्र औरत यानी मर्द को नाफ से घुटनों तक और औरतों को चेहरे और हथेलियों और कदमों के अलावा तमाम बदन का ढकना फ़र्ज है। उसके बाद नमाज की तीसरी शर्त जो है वो नमाज का वक्त का होना है, और चौथी शर्त जो है वो क़िबला की तरफ रुख होना है। पाँचवीं शर्त जो है वो नमाज की नियत करना है, और छठी शर्त जो है वो तकबीर तहरीमा है। तो ये सारी शर्तें जो हैं ये नमाज में पाया जाना ज़रूरी है, अगर एक भी ना पाई गई तो नमाज नहीं होगी। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट में ज़रूर बताना, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। और रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, इसके ताल्लुक से भी अगर किसी को कुछ पूछना हो, कोई मसाला हो, कोई बात पूछनी हो, तो वो कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उनकी बातों पर, जो लोग जो कुछ पूछेंगे उन्हीं बातों पर वीडियो बनाकर इंशाल्लाह डालूंगा।